अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे होम फीड बेबी पैरेट्स के लिए। इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, कितनी कितनी क्वांटिटी लेनी है और किस तरह से बनानी है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। इसमें हमने क्या करना है, थोड़े से हमने मकई के दाने लेने हैं। आपने सूखी मकई या कोई भी ले लें, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं बेबी पैरेट्स के। तो हम ये लेंगे 2 चम्मच, और हम 1 चम्मच जो है काले चने लेंगे, और इसके साथ ही हम ये वाली दाल लेंगे 2 चम्मच, और 2 चम्मच हम वाइट राइस लेंगे, और 2 चम्मच हम दाल चना लेंगे, और मूंग की और माश की दाल जो है ये आपने लेनी है। इसमें आप छिलके वाली भी ले सकते हैं, बग़ैर छिलके भी ले सकते हैं, मैंने दोनों ली हैं। और आपने इसके अलावा गंदुम लेनी है। अगर गंदुम नहीं है तो आप उसकी जगह पे आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपने थोड़ी देर पानी में भिगो के रखना है, और इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इनको बॉईल कर लेना है। आप चाहें तो इनको पूरी रात के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, या फिर 4 से 5 घंटे के लिए आप इसे भिगो के रखते हैं। इससे क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और इजीली बॉईल हो जाएंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रख देना है। अगर आप रात को भिगो के रख दें ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। अब हमने इसे चूल्हे पर रख दिया है। तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से बॉईल कर लेना है। जब थोड़ा सा पानी रह जाए तो इसको हमने ग्राइंड कर लेना है। आपके पास बन जाएगा, और देखें ये अभी थोड़ी थोड़ी गर्म है, इसमें से धुआं निकल रहा है, और इसको आप अपनी मर्ज़ी से ठीक कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा गर्म पानी ऐड करके। और ये बहुत अच्छी फीड है, और इसमें आप कभी कभी कॉलिक ड्रॉप या न्यू पेप्टिन के जो ड्रॉप्स होते हैं वो ऐड करके दे सकते हैं। एक तो उसमें डाइजेशन अच्छी हो जाती है और बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। वैसे तो ये बहुत अच्छी फूड है, आप घर पर बना कर दे सकते हैं। इसमें मकई है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है डाइजेशन के लिए। इसको आप देखें ये थोड़ी ठीक है अभी। इसको आप जितना अच्छा बॉईल करेंगे उतनी अच्छी ये ग्राइंड होगी और उतनी अच्छी ये बनेगी। ये आप 2 से 3 दिन के लिए मैक्सिमम फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी आपने पैरेट को देनी है, बेबी पैरेट को, तो आपने इसको थोड़ा सा ओवन में गर्म कर लेना, देख लेना है कि इसका टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा ना हो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट आपको इससे अच्छी रेसिपी बताऊंगी जिसमें हम पाउडर फॉर्म में फीड बनाएंगे, जो कि आप स्टोर करके रख सकते हैं कई महीनों तक और किसी भी वक्त अपने बर्ड को बनाकर दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।